आप भी इन लोगों की तरह पापड़ का डेमो और क्वालिटी चेक करना चाहते हो तो आप जैक्सन मशीन में विजिट करके आप भी क्वालिटी चेक कर सकते हो। देखो इस तरह से आगे से हमने उड़द का आटा गुथा हुआ डाल दिया तो ऑटोमेटिक पापड़ सूख करके कंप्लीट होकर निकल जाएंगे। देखिए बड़ा पापड़ है, आपको इसके अंदर छोटा डिस्को पापड़ भी निकालना तो निकाल सकते हैं। ये हमारा 2-in-1 वाला जैक्सन का ऑटोमेटिक आटा किंडिंग मशीन है जिसके अंदर हम उड़द का आटा डाल देंगे, ऑटोमेटिक सीट प्रेस होकर आ जाएगी। देखिए इस तरह से उड़द का आटा डाल देना, ऑटोमेटिक सीट बन जाएगी। आप इसका फिनिशिंग देख सकते हैं, सीट को आगे डायरेक्ट मशीन में डाल देना, ऑटोमेटिक पापड़ सूख जाएगा। ये 10 किलो से लेकर 50 किलो तक सभी मॉडल अवेलेबल है जैक्सन मशीन के पास। ये जो आटा गूंथने की मशीन की कैपेसिटी जैक्सन मशीन के पास 10 किलो से लेकर 100 किलो तक है। आपको जितना छोटा बड़ा जैसा भी मशीन चाहिए मिल जाएगा। ये जो सीट बन गई है वो हम ये मशीन के आगे डाल देंगे, ऑटोमेटिक पापड़ सूख करके निकल जाएगी। हैवी ड्यूटी इसके अंदर रोलर दिए हुए जो एकदम पतला प्रेस करके आपको दे देगा। यहाँ पे हमने अभी 8 इंच का पापड़ सेट किया है, आपको 9 इंच 10 इंच जो भी साइज का पापड़ निकालना है या छोटे पापड़ भी अभी आपको निकाल के दिखाएंगे। जैसा भी पापड़ आपको निकालना है वैसा निकल जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे कट होने के बाद ऑटोमेटिक ड्रायर के अंदर जाएगा, साइड का कटिंग भी अलग चला जाएगा और पापड़ बेल्ट में होकर कंप्लीट सूख करके बाहर आ जाएगा। सिंगल फेस का मशीन है ये मशीन को दोस्तों, आप घर में भी आराम से चला सकते हो, ना तो इसमें कोई आवाज है ना तो कोई आपको डिस्टर्ब होगा। तो ये सिंगल फेस का मशीन अगर आप घर में भी स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस तो आराम से कर सकते हो, और ड्रायर वाला भी आपको घर में चलाना तो चला सकते हो। ये मशीन के अंदर हमने यहाँ पे स्पीड कंट्रोल भी दिया हुआ, जितना स्पीड कम ज्यादा करना है मशीन के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो। इस तरह से अंदर जाएगा ड्रायर के अंदर, अंदर अलग अलग 7 बेल्ट लगे हैं तो 7 बेल्ट में होकर पापड़ सूख के निकल जाएगा। ये है जैक्सन के पापड़ मशीन का पैनल है, इसके अंदर हमने यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दे दिया, यहाँ पे कंट्रोलर दे दिया, जितना कंट्रोल करोगे उतना रहेगा, और स्पीड कंट्रोल दे दिया, स्पीड भी अपने हिसाब से, ड्रायर का भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एम से भी है, इसको बंद करोगे तो पूरा मशीन बंद हो जाएगा। और ये ब्लोअर मशीन है, ब्लोअर क्या होता है कि हवा अंदर फेंकता है, आपको कम ज्यादा जितना भी हवा अंदर फेंकना है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ज्यादा भी हवा जाएगा कम भी जाएगा, अपने जितना सुखाना उस हिसाब से कर सकते हो। इस तरह अलग अलग 7 बेल्ट से होकर पापड़ सूख करके निकल जाएगा। 1 घंटे में 1000 पीस से लेके आपको जितना भी कैपेसिटी चाहिए जैक्सन मशीन से मिल जाएगा। ये जो है 1000 पीस का पापड़ का कैपेसिटी है, जो घंटे के अंदर 1000 पापड़ बन के तैयार होकर आते हैं। आप देख सकते हैं एकदम सूख के कंप्लीट होके निकल चुका है। अब हम आपको इसको तोड़ के भी दिखाएंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, एकदम चूरा हो जाएगा। देखिए गर्म पापड़ एकदम निकल रहा है और एक पापड़ एकदम चूरा हो गया। देखिए ये देखिए, अगर सूखा नहीं होता तो ये चूरा नहीं होता, देखिए एकदम चूरा हो चुका है। अभी हम आपको छोटे पापड़ भी इसके मशीन के अंदर से निकाल के दिखाएंगे, डिस्को पापड़ किस तरह से निकलता है। देखिए हमारे कस्टमर को भी चेक करने के लिए देते हैं। देखिए ये जो पापड़ निकाल के हमने जिस तरह से हमारे कस्टमर को दिखाया, इस तरह से आप भी अगर चेक करना चाहते हो तो जैक्सन मशीन में आके आप भी अपना आटा लेके आके चेक कर सकते हो, या तो हमारे आटे में भी देखना है तो हम आपको इस तरह से डेमो दिखाएंगे। पर जब मशीन अवेलेबल होगा, जब आपको अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा, आपको पूरा डेमो दिखा देंगे, पूरी तरीके से समझा देंगे किस तरह से पापड़ निकलता है, किस तरह का क्वालिटी निकलता है। अभी आपको कोइन पापड़ का दिखाते हैं। कोइन पापड़ बनाना तो 4 बोल्ट को खोल के, बेरिंग को खोल के रोलर आप चेंज कर सकते हैं आराम से। 2 मिनट का काम है मैक्सिमम, आप 2 मिनट 2 से 5 मिनट के अंदर ये रोलर चेंज कर दोगे। आपको कोई भी साइज का पापड़ बनाना है, डिस्को पापड़ बनाना, 7 इंच का 8 इंच का, इस तरह से सिर्फ रोलर चेंज कर दोगे अभी नया पापड़ निकलेगा। इस तरह से बेरिंग को खोल के वापस ये 4 बोल्ट को टाइट करके मशीन को चालू कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है ये रोलर को चेंज करना। अगर डाई भी अगर चेंज करना चाहते हो तो डाई को भी चेंज करके अगर आप पापड़ बना सकते हो, रोलर फटाफट चेंज हो जाता है। देखिए अभी हम जो गुथा हुआ जो उड़द का आटा है वो आगे से डाल देंगे, जो सीट बना के डाला था हमने, इसका ऑटोमेटिक पापड़ बन जाएगा। अभी ये डिस्को पापड़ बनेगा, अभी एक कटिंग डाई है वो 50 mm का डाई है, इसमें आपको जो भी साइज चाहिए मिल जाएगी। लेकिन ये जो कॉइन पापड़ में मैक्सिमम यही साइज चलती है, साइड का कटिंग भी अलग ट्रे में चला जाएगा और पापड़ सूखने के लिए ड्रायर में अंदर जाएगा, एक बेल्ट से दूसरे बेल्ट पे जाएगा। ऐसा 7 बेल्ट अंदर दिया हुआ है, ड्रायर के अंदर 7 बेल्ट है, 7 बेल्ट में सूख करके आ जाएगा। जितना टेम्परेचर रखना है कम ज्यादा आप करके ये पापड़ सूख करके आएगा। और छोटा साइज ड्रायर है, इसका लंबाई आप देख सकते हो, आप घर में भी आराम से रख सकते हैं इसको। आप सबसे छोटा 12 फुट का अगर आपका रूम है तो भी हम आपको मशीन बना के 12 फीट का 15 फीट का जितना भी साइज है आपका रूम का वो साइज के अंदर हम फिट कर देंगे। आप जो साइज दोगे वो साइज का बना देगी, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर करते हैं दोस्तों। और हाँ देखिए इसका क्वालिटी किस तरह एकदम फर्स्ट क्लास आया हुआ है, देखिए एकदम फर्स्ट क्लास आया हुआ है इसका। एकदम धूप में अगर सुखाते हो तो कोई ज्यादा सीख जाता है कोई कम सीखता है, लेकिन ड्रायर के अंदर आप देख सकते हो पूरा सारा के सारे पापड़ एक जैसे सूखे हुए हैं। देखिए एक डिस्को पापड़ जो सारे के सारे पापड़ एक जैसे लग रहे हैं, कटिंग भी एक जैसा लग रहा है और सूखने का जो क्वालिटी है वो भी एक जैसा लग रहा है दोस्तों। अगर आपके पास 3 फेस पावर है और बड़ा ड्रायर लेना चाहते हो तो भी जैक्सन मशीन से मिल जाएगा। और दोस्तों ये मशीन के बारे में आपको और भी अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर हमने नंबर दिया हुआ है 9909985145 नंबर पे कांटेक्ट करके और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इस तरह से आप डेमो लेना चाहते हो तो लाइव डेमो भी जैक्सन मशीन में ले सकते हो दोस्तों। जैक्सन मशीन अहमदाबाद, नवनी देसाई, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।